हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीकली स्किन केयर आप लोग कैसे करेंगे। उसके पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप लोग कैसे वीक में स्किन केयर करेंगे। 3 टेबल स्पून मैंने रोज वाटर ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी आयुर का मुल्तानी मिट्टी, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी रोज वाटर में। मैं थोड़ा सा ले लिया है इस पे। अब इसको ऐड करूंगी। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इस पे चंदन पाउडर, सैंडल पाउडर। तो यहाँ पर मैं आयुर का सैंडल पाउडर यूज करूंगी। मैं जिसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड किया था उसमें मैं चंदन पाउडर ऐड करूंगी। थोड़ा सा ज्यादा लूंगी मुल्तानी मिट्टी से, थोड़ा सा ज्यादा मैं चंदन पाउडर ऐड करूंगी इस पे। इसके बाद इसको मिक्स कर दूंगी। एकदम टाइट होगा ये पैक। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैंडल पाउडर यूज किया हूँ। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है। और सबसे पहले आप लोग अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लेना। मैंने भी ये नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धो लिया था। पैक यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी हाथों की मदद से। मेरे पास ब्रश है पर मैं ब्रश की मदद नहीं लूंगी अभी। मैं हाथों की मदद से पहले इसको अप्लाई करूंगी। वीक में आप लोगों को स्किन केयर करना चाहिए। एवरीडे स्किन केयर तो है, उसके बाद भी एक वीक में स्किन केयर करना चाहिए आप लोगों को। मैंने इसको हाथों की मदद से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा लेके ब्रश की मदद से अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। तो मैं इसको
10 मिनट तक रहने दूंगी अपने फेस पे, उसके बाद मैं इसको धो लूंगी 10 मिनट होने के बाद। मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, इसके बाद मैं 10 मिनट दूंगी, उसके बाद मैं इसको धो लूंगी 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया, 10-15 मिनट हो गया, इसके बाद मैं इसको धो लूंगी नॉर्मल वाटर से, उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पैक को वॉश कर लिया है, इसके बाद मैं यूज करूंगी एवरविथ का टैन रिमूवल पैक, क्योंकि हम लोग रोज बाहर जाते हैं और सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हम लोगों के फेस पे और बॉडी में टैन थोड़ा सा भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैंने पैक को वॉश कर लिया है, इसके बाद मैं यूज करूंगी एवरविथ का टैन रिमूवल पैक, क्योंकि हम लोग रोज बाहर जाते हैं और सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हम लोगों के फेस पे टैन पड़ता है, इसलिए हम लोगों को वीक में एक दो बार टैन रिमूवल पैक यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी एवरविथ का टैन रिमूवल पैक, ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी अप्लाई करूंगी पैक के बाद। तो हाथों की मदद से लगा लूंगी। मैंने एवरविथ का टैन रिमूवल पैक के ऊपर एक रिव्यू दिया था मेरे चैनल पे, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना। ये टैन रिमूवल पैक बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको सुखाने के लिए मैं 10 मिनट दूंगी, रहने इसको दूंगी, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से वीडियो में मिलती हूँ। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, इसके बाद एक वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप जो हम लोग स्किप कर जाते हैं, वो है हम लोग लिप्स पे, अपने लिप्स पे कोई भी केयर नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिप्स केयर के लिए यहाँ पर लिप स्क्रबर यूज करूंगी, टैन रिमूवल कॉफी लिप स्क्रबर, ये और इसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके फिंगर की मदद से इसको स्क्रब करना। फेस को स्क्रब करूंगी एवरविथ का स्क्रबर से। तो मैं थोड़ा लेके अपने फेस में इसको अप्लाई कर लूंगी, उसके बाद मैं इसको स्क्रब करूंगी। अपने फेस को वॉश कर लिया है, इसके बाद मैं यूज करूंगी फेस वॉश, जो मैं यहाँ पर यूज करूंगी मामा अर्थ का ग्रीन टी फेस वॉश।
तो ये है हमारा लास्ट टिप। तो आप लोग ऐसे अपना स्किन केयर करना वीक में, एवरीडे तो हम लोग स्किन केयर करते हैं, बट ऐसे जो मैंने दिखाया आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, आप लोग इसको वीक में एक से। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है ममार्थ का ग्रीन टी फेस वॉश से। तो ये था मेरा लास्ट स्टेप स्किन केयर का, लोगों के साथ ये स्किन केयर शेयर कर ली हूँ। तो आप लोग इसको वीक में एक दो बार यूज कर सकते हैं। डेली हम लोग तो अपने स्किन को केयर कर रहे हैं, तो बट हम लोगों को वीक में दो तीन बार, एक दो बार इस तरीके से भी केयर करना चाहिए अपने स्किन पे। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो चलिए।